और भी बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर, जिसमें सबसे पहले बात करना चाहूंगा अभी मोस्ट रिसेंट में हुई एक कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग, जो कि हुई थी इस ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा कलेशियाई शो कॉफी विद करण में। अगर तुम्हें नहीं पता तो कॉफी विद करण के सीजन 8 के एपिसोड 1 के गेस्ट थे रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण, एंड इसके अंदर दीपिका पादुकोण ये चीज रिवील करती है दैट शी वॉज इन सम अदर रिलेशनशिप वाइल बीइंग विद रणवीर सिंह। बाकी अगर तुम्हें इन डिटेल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ जानना है तो तुम ऊपर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। एंड अगर रणवीर सिंह की बात हो गई तो बात कर लेते हैं उनकी अपकमिंग मूवी सिंघम अगेन के बारे में, जिसमें भी दीपिका पादुकोण है। तो जैसे कि ये लोग हमें इसके फर्स्ट लुक दिखा रहे थे, सबसे पहले देखने को मिला था हमें दीपिका पादुकोण का, उसके बाद टाइगर श्रॉफ का, एंड अब रणवीर सिंह के सिम्बा का भी फर्स्ट लुक हमें दिखा दिया गया है, जो कि देखा जाए तो सिम्बा जैसा ही है। बहरहाल बात कर लेते हैं कमल हसन की अपकमिंग मूवी इंडियन 2 के बारे में, जिसका ये नया पोस्टर जारी करा गया है, जिसके अंदर हमें इस चीज की इन्फॉर्मेशन दी है कि इसका हमें एक इंट्रो या फिर कह सकते हैं सिंपल भाषा में टीजर देखने को मिलेगा 3rd of November 2023 को। सो या आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज कमल हसन एक्स शंकर एक्चुअली में काफी ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। बाकी पिछले हफ्ते 2 मूवीज रिलीज हुई थी, तेजस एंड 12th फेल, जिसे अगर मेरे को सिंपली समराइज करना हो तो जितनी बुरी तेजस थी उतनी ज्यादा बढ़िया थी 12th फेल। बाकी इन डिटेल रिव्यू तुम्हें ऊपर मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ एक सैड न्यूज भी बाहर आ रही है कि फ्रेंड्स के अंदर चैनल का रोल निभाने वाले मैथ्यू पेरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैसे, लेकिन मैं तो खैर ज्यादा क्या ही बोल सकता हूं रेदर देन सेइंग रेस्ट इन पीस। बाकी मूड को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए मैं बात करना चाहूंगा सलमान खान एक्स रोनाल्डो की। यस, ये चीज हो चुकी है। कभी हाल ही में कोई इवेंट था जिसके अंदर हमें सलमान खान एंड रोनाल्डो एक साथ देखने को मिले, एंड अब क्योंकि सलमान खान के बारे में बात हो गई है तो बात कर लेते हैं उनकी अपकमिंग मूवी टाइगर 3 के बारे में। तो ऐसे रूमर्स ही निकल के आ रहे हैं कि इसके अंदर हमें जूनियर एनटीआर का कैमियो देखने को मिल सकता है। हालांकि आई वाज एक्सपेक्टिंग ऋतिक रोशन, लेकिन हाँ जूनियर एनटीआर भी देखने को मिल जाते तो काफी ज्यादा अच्छी चीज होगी, लाइक वॉर 2 के लिए एक प्रॉपर सेटअप बन जाएगा। एंड इसे एंड करते करते मैं बात करना चाहूंगा सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग मूवी थलाइवा 170 के बारे में, जिसके अंदर हमें 33 साल बाद अमिताभ बच्चन एंड रजनीकांत एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। एंड उन्होंने ये फोटो भी जारी करी है इस चीज को कंफर्म करते हुए। एंड हाँ, आई थिंक इस हफ्ते की न्यूज बस इतनी थी। अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कौन सी न्यूज़ तुम्हें सबसे ज्यादा केटर करी। एंड या टिल देन बाय।